अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो व्यूवर्स, आज के व्लॉग में मैं जो आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे आज के व्लॉग किस टॉपिक पर है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा अपने बर्ड्स। और अभी ये पीछे जनरेटर चल रहा है बराबर वालों के घर में, पता नहीं क्या मसला है, रात से चल रहा है और काफ़ी शोर आ रहा होगा वीडियो में। तो शोर को इग्नोर करें, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स, उन्हें पता होगा जब मैंने ये चैनल बनाया था तब मैंने अपने बर्ड्स का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करा था। तो उस टाइम मेरे पास काफ़ी सारे बर्ड्स थे, अभी भी हैं, और देखते हैं उस टाइम के जो बर्ड्स थे वो मेरे पास कितने मौजूद हैं और कितने मैंने सेल आउट कर दिए। और काफ़ी अमेजिंग बर्ड्स हैं, अभी वीडियो में चल के आगे चल के आपको दिखाऊंगा, और मुख्तलिफ बर्ड्स की वैरायटी मेरे पास मौजूद है। तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। और व्यूवर्स, आप लोग कि पीछे मेरे देख रहे क्या है, और ये मैं आपको बता दूँ, यह मेरा मास्टर केज जिसके अंदर मैंने अपने बर्ड्स रखे हैं। तो ये पिंजरा जो है ये मैंने खुद बनाया था, इसका भी मैंने व्लॉग बनाया था। इसका व्लॉग बनाया मैंने जब अपलोड एडिट वीडियो हो गई, जब मैं अपलोड करने बैठा मैंने काफ़ी टाइम बाद ही चैनल खोला था, तो चैनल का पासवर्ड पता नहीं क्या हुआ, मैं भूल गया। उसके बाद चैनल का पासवर्ड ही रिकवर नहीं हो रहा, और फिर वो व्लॉग के क्लिप्स रखे रखे मेरे पास से डिलीट हो गया। तो अभी अगर कुछ क्लिप्स मेरे पास मौजूद हैं, और अभी मैं देखूँगा अगर रिकवर हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है, वो व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगा। और ये इतना बड़ा, आप लोग को मैं ये पिंजरा पूरा दिखाता हूँ अभी, इतना बड़ा जो पिंजरा है ये मैंने खुद बनाया था, और ये मुझे लगा है कम से कम एक महीना, बल्कि एक महीने से भी ज़्यादा लगा है। और ये आप लोग देख रहे हो कि मैंने बोरियाँ लगाई हैं, तो ये बोरियाँ इस वजह से लगाई हैं, मैंने अभी कल ही कट करी हैं ये, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो गई थी। ये मैंने बनाया था सर्दियों में, तो सर्दियों में मैंने ये पिंजरा बनाया था, सर्दियों से भी बल्कि पहले। तो फिर सर्दियाँ आ गई थी, तो फिर मैंने तरपाल और बोरियाँ डाली थी। बोरियाँ इस वजह से डाली क्योंकि जो लास्ट जो सर्दियाँ गुजरी हैं उसमें मेरे काफ़ी बर्ड्स मरे थे। इस बार मैंने सोचा बोरियाँ ढकता हूँ, क्योंकि अब बोरियों में बोरियाँ गर्म होती हैं, तो मैंने बोरियाँ ढक दी थी। और अब गर्मी हो गई तो इस साइड वाली मैंने छोड़ दी है, क्योंकि और उस साइड वाली मैंने इस वजह से हटाई क्योंकि हवा क्रॉस हो जाए। तो आइए पिंजरे में चलते हैं, पिंजरे में चल के दिखाता हूँ आपको कौन कौन से बर्ड्स। तो पिंजरे के अंदर चल के मिलते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आ गया हूँ पिंजरे के अंदर, और अब आपको दिखाता हूँ ये जो है ये मास्टर केज है, काफ़ी बड़ा ये पिंजरा है। और ये जो पिंजरा है मैंने खुद बनाया, इसका भी मैंने व्लॉग बनाया था पर वो डिलीट हो गया। इसके अगर कुछ क्लिप बचे हों तो है, और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है मेरे पिजन, और ये मैंने अभी लिए हैं, इनको काफ़ी टाइम नहीं है, ज़्यादातर खुले ही रहते हैं। और क्योंकि ये पिंजरा भी काफ़ी बड़ा है, जब इसमें तोते थे, आप लोग अगर मेरे वन ईयर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या ऊपर आई बटन में एक ही लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको आप लोग देखिएगा पहले मेरे पास माशाल्लाह से कितने परिंदे थे। ये पूरा केज भरा हुआ था, ये वाला जो केज है ये पूरा भरा हुआ था, और अब क्या है मेरे पास, ये पूरा केज, ये खाली सिर्फ जो मेरे ऑस्ट्रेलियन में पेयर रहेगा वो ये रहेगा, आपको दिखा दूँ। ये है एल्बिनो की मादी है क्रिस्टिड में, और पीछे क्रिस्टिड का इसका ग्रीन वाला नर है, और एक ये प्यार है टफ्टेड की मादी है, और ट्रिपल क्रिस्टिड का इसका नर है। यही अभी सिर्फ बजरी में यही दो चीज़ें रह गई, और एक ये मेरा कॉकटेल है, इसको बस मैंने इस वजह से नहीं बेचा, ये मुझसे और मेरी पूरी फैमिली से बहुत ज़्यादा ही लगा। और ये ब्रीड भी करता है, और लेकिन पर उस तरह इसकी ब्रीड मेरे ख्याल से ये करता नहीं इस तरह कॉकटेल करते हैं, क्योंकि जो टॉकिंग पे हिल जाते हैं ना फिर वो इतनी ब्रीड नहीं करते। तो ये इतना ज़्यादा हिला हुआ है, मैं बोलता हूँ मिट्टू, मिट्टू बेटे, ये मिट्टू, अभी बोल नहीं रहा, अभी वो कैमरा देख के थोड़ा घबराया वो बाबा है। और ये अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ मिट्टू, अभी ये बोल नहीं रहा, वरना ये काफ़ी माशाल्लाह से टॉकिंग करता है। और इसको मैं एक बात बता दूँ, इसको मैं बेचने गया था पर मेरे घर वालों ने मना कर दिया, इसको नहीं बेचो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेवन में जैसे पिंजरे के पास या बाहर कहीं आते हैं गैलरी में तो मिट्टू मिट्टू बैठे सीटियाँ मारने शुरू करते थे, काफ़ी इलेवन मतलब टॉकिंग वगैरह करता है, तो दिल नहीं चाहता उसको बेचने का। और तो मैंने जो बर्ड्स बेचे हैं ये मैंने इस वजह से बेचे हैं क्योंकि ये बर्ड्स का दाना भी महंगा हो गया था, मेरा शौक भी अब ख़त्म हो गया था, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि वीडियोस भी अपलोड करता था यूट्यूब पर, तो इनको दाना पानी करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब ये केज भी बन गया था, और फिर मैंने सोचा यार क्या करूँ, मैंने बोला यार अब मतलब तोते फिंचेस ऑस्ट्रेलिया मतलब बर्ड ये पाल के मेरा हो गया शौक, और यार कुछ शौक में नई चीज़ें ऐड करी, तो नई चीज़ें क्या ऐड करी है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
सबसे पहले ही मेरे पास लड़का का जोड़ा, ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा जोड़ा, बहुत प्यारा, पर ये डरता है। उसके बाद है मेरे पास एक, आपको बैक कैमरा खोल के दिखा दूँ बिट्टू बेटे। तो उसके बाद है मेरे पास एक ये पेयर, ये जो है ये मेरे घर पे कबूतर ने ये बच्चे निकाल दिए थे और ये फिर नीचे गिर गए थे, तो मैंने इनको इस वजह से पिंजरे में डाल दिया, मैंने बोला बिल्ली नहीं खा ले। सही है, तो ये अभी बच्चे हैं, ये मतलब इतने बड़े नहीं हैं, यहाँ ही खाना दाना पानी कर लेते। और एक ये पेयर है, ये है शराजी, मुझे इनका इतना नहीं पता, इन लोगों ने दाना वाने की थैली सारी फाड़ दी और ये सारे ये फाड़ी जो है वो इन बच्चों ने फाड़ी है। और ये मिट्टू भी, आप लोग देखें किस तरह बातें करेगा मिट्टू बेटे। मिट्टू क्या हो मिट्टू को, मिट्टू बेटे ये बोल रहा है पर अभी उस तरह टॉकिंग नहीं कर रहा कैमरे के सामने आके। और हाँ ये देखिए, ये सीटियाँ बजा रहा है, ये समझे पूरे पहले मेरे किसी टाइम ये पूरे मेरे पिंजरे भरे हुए होते थे। और ये देखें टॉकिंग वगैरह कर रहा है, अब ये पूरे पिंजरे खाली हैं, मतलब ये कबूतर है शराजी ऊपर नीचे है और लड़का यहाँ ऊपर बैठ जाता है और ये जो ये दो बच्चे हैं खुले रहते हैं पिंजरे में, ये जाते ही नहीं है। व्यूअर्स आपको एक और नई चीज़ दिखाता हूँ, मैंने क्या चीज़ ऐड करी है और उस वीडियो उस चीज़ की मैंने आप लोगों के साथ अभी तक वीडियो नहीं शेयर करी। आइए चलते हैं दूसरे केज, मैं आगे अपने दूसरे केज की तरफ, दूसरे पिंजरे की तरफ, वो आपको दिखाता हूँ मैंने क्या चीज़ पाली। तो सबसे पहले ये मेरे पास ब्राउन बफ का मुर्गा, और ये जो है इसके अभी तक मैंने आप लोग के साथ वीडियो नहीं शेयर करी थी। ये मैंने लिए थे बिल्कुल छोटे छोटे चूज़े और इसमें काफ़ी सारे हैं, वाइट बफ हैं, ब्राउन बफ हैं, मतलब चार हैं टोटल, पाँच लिए थे, चार रह गए, एक ब्लैक बफ था वो मर गया। तो अभी ये हैं मेरे ख्याल से सिक्स टू सेवन मंथ के ये हो गए और अब माशाल्लाह से अंडों पे आ गए, अंडे देते हैं सही है। और इनके अंडों का साइज़ दिखाऊंगा, आप लोग देखेंगे इसके अंडों का साइज़ कैसा है। और अभी आपको मुर्गियाँ दिखा दूँ कौन कौन। तो व्यूअर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ये, अब आप बोल लेंगे ये कैसी मुर्गी है। तो यार ये वाइट बफ है, वाइट बफ में कौन सी है अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आया है। इसके पर जो हैं इसके पर कलरी हैं काफ़ी और आप लोग इसके देख सकते हैं। इसको मेरे ख्याल से इसको और कुछ भी कहते हैं, मैंने देखे लोगों के पास भी इस तरह की मुर्गियाँ होती हैं, पर इसके पर जो हैं बहुत स्लो निकल रहे हैं, बहुत स्लो बोलते हैं ना वो निकल रहे हैं। उसके बाद मेरे पास है ये वाइट बफ की ये मुर्गी, इसका साइज़ छोटा है पर इसका साइज़ इतना भी छोटा नहीं है। बाकी ये जो दो मुर्गा मुर्गी है ना, ब्राउन मुर्गी है और मुर्गा, इन दो का साइज़ बहुत अच्छा है, ये मुर्गी है और वो पीछे वाला वो मुर्गा है। और अभी ये कैमरे के आगे डरे हुए, वरना ये मेरे पास ही आ रहे होता है, मुर्गा तो लाजमी आता है। तो व्यूवर्स जो इनकी मेरे पास दो से तीन मंथ पुरानी वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप बताइएगा ये आपको अलग ही लगेंगे छोटे। अब इनकी अभी की वीडियो अभी ये पिंजरे में, अब क्योंकि अब गर्मियाँ हो गई हैं, मेरे ख्याल से सर्दी की वीडियो या सर्दी से भी पहले की वीडियो अब आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अभी गर्मियाँ हो गई हैं तो ये अंदर ही रहते हैं पिंजरे में, इनको खोलो ना तो ये फिर खुलता नहीं है, ये ज़्यादातर अंदर ही रहते। तो अभी आपको अब जो आप क्लिप देखेंगे वो दो से तीन मंथ पुरानी होगी, तो अब आप लोग वो क्लिप इंजॉय करो। तो व्यूअर्स जैसा कि आप लोग अभी मुर्गियों वाली आप बोलेंगे क्लिप आई नहीं, मैंने जब मोबाइल में चेक करा तो मैंने मुर्गियों वाली क्लिप भी डिलीट कर दी, तो ये मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, मुर्गियों वाली जो क्लिप थी वो भी मैंने डिलीट कर दी और अब कोई क्लिप भी नहीं है। अब आप लोग को मैं पिक्स दिखाता हूँ, पिक्स मेरे पास जो अब आपके सामने पिक है ये मुर्गा है, तो आप लोग देख सकते हैं अब मुर्गा और पहले मुर्गा कैसा। अब जो सेकंड पिक आई है वो है वाइट वाली मुर्गी की, जिसके ऊपर सही है वाइट बफ, इसको भी देखिए। तो अब जो थर्ड पिक आई है वो है जिसके कलरी बाल थे, पर थे बाल, बोल पर थे, ये वो मुर्गी है, बताइए अब बड़ी हुई। और जो चौथी मुर्गी की पिक है वो तीन या खड़े में तीनों आप लोग देख सकते हैं, तो उसकी अकेले में पिक नहीं है, सही है। तो गाइस अभी मैं कर रहा हूँ तोतों का दाना पानी करता हूँ, उसका क्या मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँ। तो गाइस अब मैं मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।